हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी अभी दुकान से आ रहा हूँ। 7:42 हो रहा है अभी शाम के। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा घर में अनोखा जादू हुआ है आज। देखिए, क्योंकि कल इसका हवेली का पेपर है, तो देखिए कल पेपर है और ये आज हेलो। पढ़ी है। देखिए गाइस, हाँ, कौन आज ये लगभग आधे दिन से बैठी है किताब खोल कौन के, क्योंकि इसे अचानक पता चला कि इसके पेपर हैं। तो और यहाँ देखिए एक अनोखा जादू, ये किताब देख रही है या उन्हें पलट रही है पता नहीं चल रहा। से फोन मांगो, पहले कई काम कर देखिए सकती हूँ। गाइस, देखो लग रहा है कि आपको ये पढ़ ली होगी। तो गाइस देखिए, इसने किताब किताब रख ली है और ये सो गई है फिर से। देखिए, अच्छा ये देखिए गाइस, क्योंकि ये पढ़ती कभी नहीं है, एक आध पन्ने पलटा है। इससे मानसी ने पढ़ने के लिए कहा था, तो इसलिए देखिए अब सो चुकी है। अब देखते हैं मानसी किस तरीके से पढ़ रही है। काय की देखो गाइस, मानसी इस तरीके से पढ़ रही है, ध्यान कर लगा के, क्योंकि कल पेपर है इसका। तो आज दिया। आपने अलग देखा कुछ। देखिए गाइस, कौन से देख देख के पढ़ रही है। और कन्नू सो चुकी है। किचन का हाल दिखाता हूँ आपको। किचन का हाल ये है, सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, पता नहीं अब कौन करेगा यहाँ से सफाई। गाइस इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप कमरा थोड़ी देर बंद कर देते हैं, इसे करने देते हैं पढ़ाई। तो ये कह रही है मुझे भूख लग रही है खाने के लिए, तो देखता हूँ फ्रिज में कुछ पड़ा है, तो कुछ खाने का तो है ही नहीं यहाँ। तो गाइस यहाँ देखते हैं, एक रोटी है और मैंने बनाई थी आज दिन में भिंडी, और भिंडी सब। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that ये लाइट जा चुकी है गाइस, देखिए लाइट जा चुकी है। मैं फ्लैश जलाता हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा दही मिल गया फ्रिज में और एक रोटी, इसे खिला देते हैं। और ये बिस्किट कहाँ से लेके आऊँ, कल से ही इसे खिला देता हूँ। मैं बेकार हो गई, बहुत बेकार हो रहा मैं यहाँ। तो गैस आके से बेकार लग रहा है, तो दही भी सारी तो उसे यहीं रख देते हैं, यहीं रख देते हैं। तो गैस देखिए यहाँ लग चुके हैं गाने, और वो पढ़ रही है वहाँ, और यहाँ गाने लगा दिए गए हैं बेरहमी से। कन्नू को लग क्या हो गया, कन्नू पन्नू को सोने का मन हुआ तो उसने किताब जा फेंक के वहां डाल दी, और ये सो चुकी है। देखिए गाइस आंखें दिखा रही है मुझे, और मानसी लगा रही आवाज, क्या बता, भूख रोटी खिलाई तो आप क्या खिलाऊं, कहां से मैगी ये बनाऊं, पैसे नहीं है। तो गाइस मैं बनाऊंगा मैगी। तो गाइस धो दिया मैंने, और मैं आपको बताता हूँ मैगी किस तरीके से बनाएं। पहले आपके पास हींग हो तो इसमें थोड़ा सा हींग डाल दें पानी में, इतना बढ़िया टेस्ट आएगा मैगी का। थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसमें मैगी को भी डाल दें, और मैगी को तोड़े ना,
ताकि ऐसे आपको ज़्यादा स्वाद आएगा। तो ऐसे ही डाल दें और बस इसे ऐसे छोड़ दें जब तक पकेगी नहीं। तो गाइस मैं मैगी बनने रख के आया हूँ, तब तक दुकान चले देख के आता हूँ। सब्जी खा लो, सब्जी बना दी मैं, फुलिया बनाई। थोड़ी सी मूंगफली ले जाता हूँ, मूंगफली लेके सीधे घर। बहुत टेस्टी मूंगफली हो रही है, अभी अभी भुनी है, ताजी ताजी। हाँ गाइस मैगी मुझे लग रहा है वहाँ खा ली है मेरे जाने से पहले। तो गाइस सारी खत्म कर दी है मैगी, गाइस सारी मैगी खा ली है इन्होंने और ये अभी तक पड़ने में लगी है। गाइस यहाँ बन गई सब्जी, अभी बन जाएगी सब्जी, अभी रोटी भी बनी है, इशू बनाएगी। यहाँ अभी तक एक बैलून रहा है, एक क्या बहुत रहे हैं अभी, उस दिन के हैं बर्थडे के कन्नू के। अभी आ चुके हैं ये लोग बाजार से, देखो क्या लाए हैं। बर्गर आ गया है, बर्गर देखो गाइस आ चुके हैं बर्गर। देखो क्या लाए हैं, पसाइंग है सब बर्गर, बहुत अजीब सा है। देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्योंकि पता नहीं है बर्गर लाए हुए हैं। और देखिए ये है बर्गर इनका, बहुत ही गंदा हो रहा, पता नहीं कैसे बर्गर ले गए। तो गाइस हो रहा है, बहुत म्यूजिक भी हो रही है, भूख लगी थी जब ये हमने खा लिया। ये देखो मैं बहुत देर से पा लिया। तो गाइस सब्जी लग चुकी है और आटा भी गूंथ चुका है, पर रोटी बनाई नहीं है अभी, मुझे लग रहा है मुझे ना बनाना पड़े लास्ट में। देखिए गाइस इसकी सेवा करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ किताब पढ़ रही है, तो सारा काम भी इसका होने का मैं ही कर रहा हूँ। क्या रोज की तरह मैं फिर से रोटी बना रहा हूँ। पूरे तो गाइस देखो यहाँ रोटी बनाने की ट्रिक, राक्षस को देखो। मम्मी चिमटा तो हमारे वहां पर जैसे कि खो ही गया है। गाइस बन रही है रोटी, मम्मी ओ मम्मी कितनी रोटी बनाई है, 10 भाई 10 रोटी बनाई है, मेरा पानी भी गर्म हो गया, काट काट के रोटी नहीं आ रही। तो गाइस बन गई है रोटी, लास्ट रोटी है ये वाली। लास्ट रोटी है, फूल गई रे, फूल गई मेरे नाम की रोटी, फूल गई।
तो गाइस बन चुकी है रोटी सारी। अब ये तो ये आटा भी रख। तो गाइस मैंने बचा हुआ आटा फ्रिज में रख दिया है, सब्जी है बाद रखने की इसकी जगह पे, आटे को इसकी जगह पे। और ये मम्मी लोगों का बचा है तो इसी में हम भी खा लेंगे मानसर में। इसमें थोड़ा सा और डाल लेता हूँ और इसमें रोटी ले लेता हूँ चार। और गाइस रोज की तरह रोज वाला कुत्ता आ चुका है बाहर से, उसे दे देता हूँ रोटी। ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, ले खा जा, खा ले खा ले खा ले खा ले, चल खा ले, मेरा बाबू अच्छा है खा ले। देखो इसे ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, ले खा, ये खाता भी नहीं है बहुत, जब हाथ से खिलाओगे तभी खाता है। हाँ ठीक है, ले खा ले खा ले मेरा बाबू, चल खा खा ले, ले ले ले। हाँ बैठ ही ना, बैठ बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ले रोटी नहीं खा रहा, तो गाइस ही नहीं खा रहे, ले ले खा ले खा, आकर ले ले खा, चल बैठ जा फिर वहाँ पे बैठ जा, घर जा अपने, या घर को जा, घर को नहीं जा रहा, चल बैठ जा फिर यहीं पे, रोटी में तुझे किसमें दूँ, चल ले फिलहाल ऐसे ही पकड़े रहो, रोटी खा खा रोटी खा। तो रोटी डाल दिया, अब खा रहा है शायद, हाँ अब खा रहा है वो, इसके वहीं पे रख के। हाँ ठीक है, ये आवाज क्या कर रहा है, उसका बटन बंद कर दे कोई। मानसी आ गया है खाना, मानसी चल एक मिनट खा लेती फटाफट, जवन मिनट तो बिस्तर भी लगा लेते, उसका खा रहा है देखो, ये गाड़ी रखनी है अभी, मैं बिस्तर लगा देता हूँ पहले। तो गाइस ये देखिए, इसे मैंने रोटी दी है और ये आप जा ही नहीं रहा, मैं कितना भगा रहा हूँ इसे, पर भगा नहीं रहा हूँ इसे, ठंडा भी लग रहा है इसलिए मैंने इसे यहाँ पे भी बैठा दिया है दरी में, तो अब भगाता नहीं उसे, तो अब ये यही रहने दे रहा हूँ, बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, ये पागल हो गई है। ये देखिए यहाँ शाम को नहाने वाले व्यक्ति रात को नहा, चल बैठ जा फिर वहाँ पे बैठ जा, ये देखो कहना कितनी जल्दी मान रहा है और बैठ भी जा रहा, ये 11 बजे नहा रही है। तो गाइस खाना आज मानसी मेरे साथ पढ़ाई करेगी, मतलब मैं एडिटिंग करूँगा ये पढ़ाई करेगी, क्योंकि इसका कल को है पेपर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, ओके गुड नाइट एंड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ओके गुड नाइट।